नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पावर फ्लो इक्वेशन। पावर फ्लो इक्वेशन हम दो केसेस के लिए डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सिंक्रोनस जनरेटर के लिए और एक सिंक्रोनस मोटर के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस कर देते हैं फॉर सिंक्रोनस जनरेटर। इधर देखिएगा प्लीज, सिंक्रोनस जनरेटर में हमने जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, यहां से सप्लाई बाहर की तरफ जब जाती है तो आर्मेचर करंट V, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है V, V फेजर इक्वल टू V एंगल जीरो, वोल्टेज को हमेशा रेफरेंस मानते हैं। और यहां पे जो इसका इंपीडेंस होता है वो क्या होता है ZS, और यहां पे हमारे पास इंड्यूस EMF होता है E। E एंगल प्लस डेल्टा होगा या माइनस डेल्टा होगा, प्लस डेल्टा, क्योंकि करंट हमेशा हाई एंगल से लो एंगल की ओर फ्लो होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से होगा, सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा ना, तो करंट किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ, जीरो से माइनस डेल्टा की तरफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें आउटपुट पावर बतानी है, आउटपुट पावर पर फेज, आउटपुट पावर पर फेज ये निकालनी है। ये जो आउटपुट पावर है ये कौन सी पावर है, कॉम्प्लेक्स आउटपुट पावर, कॉम्प्लेक्स आउटपुट पावर आती है। आउटपुट पे वोल्टेज क्या मिल रहा है, वी, और करंट है आई, तो वी आई ये कॉन्जुगेट हर फेज के रेस्पेक्ट में। हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, हमेशा सिंगल फेज या पर फेज के रेस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं जब सॉल्व करोगे वो थ्री फेज के रेस्पेक्ट में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पर फेज की पावर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके ओरिजिनल फॉर्मूला आ जाता है। तो हम एनालिसिस तो पर फेज के रेस्पेक्ट में करेंगे हमेशा। तो पावर फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या चाहिए, वी इंटू आईए, आईए का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, वी इंटू आईए कॉन्जुगेट। उसके लिए आईए चाहिए, इक्वेशन बताओ, इक्वेशन E इक्वल टू क्या होता है, V प्लस आई ए जेड एस, तो आई ए क्या होगा बताओ, E माइनस V अपॉन जेड एस, E क्या है, E एंगल डेल्टा माइनस V एंगल जीरो, जेड एस एंगल थीटा, सही बात है। तो ये हो जाएगा जेड एस E बाई जेड एस एंगल डेल्टा माइनस थीटा माइनस V बाई जेड एस एंगल माइनस थीटा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस थीटा। तो ये आइए आ गया, लेकिन हमें आउटपुट पावर पर फेज पता करने के लिए क्या चाहिए, एस आउटपुट इक्वल टू वी आइए कॉन्जुगेट, आइए कॉन्जुगेट चाहिए। तो आइए कॉन्जुगेट कैसे आएगा बताओ, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो प्लस एंगल होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस एंगल होता है वो प्लस हो जाता है। ई बाई जेड एस मैग्नीट्यूड है थीटा माइनस डेल्टा, उल्टा हो गया, वी बाई जेड एस एंगल थीटा, इसलिए एस नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी फेजर इंटू आई ए फेजर कॉन्जुगेट वी एंगल जीरो इंटू ए बाई जेड एस एंगल थीटा माइनस डेल्टा माइनस पी अपॉन जेड एस एंगल थीटा। अब इस वी को इंटरनली मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई वी अपॉन जेड एस एंगल थीटा माइनस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर अपॉन जेड एस एंगल थीटा। अब हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स पावर होती है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और ये कॉम्प्लेक्स पावर खुद। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स पावर होती है उसका जो कोसाइन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास पी, साइन कंपोनेंट होता है वो क्यू। तो अगर मैं ये जो आउटपुट पावर आई है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, इसका कोसाइन लो तो क्या आ जाएगी, आउटपुट एक्टिव पावर, और साइन लो तो आउटपुट रिएक्टिव पावर, आउटपुट पावर रिएक्टिव ई ई वी अपॉन जेड एस कॉस थीटा माइनस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा, ये आपको इक्वेशन याद रखनी। और क्यू आउटपुट रिएक्टिव पावर क्या आ जाएगी, कॉस की जगह क्या लिखना है आपको, साइन, साइन थीटा माइनस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर अपॉन जेड एस साइन थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल केस करेंगे, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस क्या है, जनरली जो न्यूमेरिकल आते हैं वो हमारे पास इस तरह से आते हैं कि एज्यूम आर्मेचर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल मान लें,
लेट आर ई इज नेग्लेजिबल, अप्रोक्सीमेटली इज जीरो, ठीक है. आर ए जीरो हो जाएगा तो जेड एस क्या होता है, आर ए प्लस जे एक्स एस, जीरो प्लस जे एक्स एस. तो इसका मोड ऑफ जेड एस क्या हो जाएगा, अंडर रूट जीरो स्क्वायर प्लस एक्स एस स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स एस. और थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स एस अपॉन जीरो, टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है 90 डिग्री, मतलब मैग्नीट्यूड तो एक्सेस आ जाएगा और एंगल थीटा कितना आ जाएगा 90. तो जो भी आउटपुट पावर का फॉर्मूला है और आउटपुट रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है उसमें थीटा आप 90 रख दो और जेड एस का जो भी मैग्नीट्यूड है उसकी जगह क्या रख दो, एक्सेस रख दो. तो इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, आउटपुट पावर इसमें देखो जरा प्लीज, ई वी अपॉन एक्सेस कॉस थीटा की जगह 90 माइनस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्सेस कॉस 90. कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो. यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ए वी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा. वेरी इंपॉर्टेंट, आउटपुट रिएक्टिव पावर आपके पास, आउटपुट एक्टिव पावर ये आ जाएगी. अब आउटपुट रिएक्टिव पावर निकालते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा रखोगे 90 तो साइन 90 माइनस डेल्टा कॉस डेल्टा, ईवी अपॉन एक्सेस कॉस डेल्टा माइनस ये हो जाएगा साइन 91 और जेड एस की जगह एक्सेस वी स्क्वायर अपॉन एक्सेस, ये आ जाएगा आउटपुट रिएक्टिव पावर. तो हमारे पास आउटपुट एक्टिव पावर और आउटपुट रिएक्टिव पावर, हमारे पास ये फॉर्मूले आपको याद रखने, जब हमारे पास आ रही क्या हो जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखिए जरा प्लीज इसको. अब देखिए, अब अपने पास कई बार पूछ लेते हैं पावर फ्लो डायग्राम बनाओ. पावर फ्लो डायग्राम कैसे बनाते हैं, पावर फ्लो डायग्राम इज एक्टिव पावर और डेल्टा के बीच का रिलेशन लोड एंगल. इफ आर ए इज नेग्लेक्टेड तो यहां पे आउटपुट पावर क्या आ गई हमारे पास, ईवी अपॉन एक्सएस साइन डेल्टा ना. अब डेल्टा जो है हमारे पास लोड एंगल है या टॉर्क एंगल है, इसकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री और फिर 180 डिग्री तक वेरी करती है, 0 डिग्री से 180 डिग्री. तो अगर डेल्टा 0 रखोगे, इफ़ डेल्टा 0 तो आउटपुट पावर कितनी आ जाएगी, साइन 0 मतलब 0, डेल्टा 90 डिग्री रखते हो आउटपुट पावर कितनी आ जाएगी, एवी अपॉन एक्सेस, ईवी अपॉन एक्सेस मैक्सिमम वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू मैक्सिमम. फिर डेल्टा 180 डिग्री रखोगे आउटपुट पावर फिर कितना हो जाएगा, साइन 180 की वैल्यू 0, फिर 0 आ जाएगा. कहने का मतलब ये कि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे तो पावर बढ़ेगी 90 डिग्री तक मैक्सिमम पे पहुँचेगी, फिर वापस पावर घटेगी, ठीक है. तो ये पावर फ्लो डायग्राम आ गया, ये जो आउटपुट पावर आई ये कौन सी आई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई. तो आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पी मैक्सिमम साइन डेल्टा, ठीक है. ये लिखिए जरा, ये है पावर फ्लो डायग्राम, बना दीजिए इसको. फिर अगला केस अपन मोटर के लिए देखते हैं, ये बनाइए. केस सेकंड कंसीडर करेंगे और सिंक्रोनस मोटर, पहले वीडियो पॉज करके इसको बना देना, ठीक है. नेक्स्ट सिंक्रोनस मोटर के लिए करते हैं, इसको हटा देते हैं. लिख दिया, देखो इधर मोटर में हमारे पास यहां पे इनपुट पावर आएगी, इस बार हमारे पास ये भी एंगल जीरो, यहां माइनस डेल्टा आ जाएगा. तो करंट किधर फ्लो होगी, हायर एंगल टू लोअर एंगल, इधर आएगी, आइए इधर आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट पावर पर फेज नहीं, कैसी आएगी? इनपुट पावर, क्योंकि V इंटू आई क्या होगा? इनपुट मोटर के लिए, फोर सिंक्रोनस मोटर के सेकेंड वी आर डिस्कसिंग। E इक्वल टू क्या है? V माइनस आई ए जेड एस, वी में से आई ए जेड एस ड्रॉप घटा दोगे तो क्या बचेगा? E। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? आई ए वी माइनस ई अपॉन जेड एस वी एंगल जीरो माइनस ई एंगल माइनस डेल्टा अपॉन जेड एस एंगल थीटा, दैट इज वी अपॉन जेड एस एंगल ऊपर जाएगा तो माइनस थीटा, ई अपॉन जेड एस एंगल माइनस डेल्टा माइनस थीटा ऊपर जाएगा तो हमें क्या चाहिए? आई ए कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं बताओ? प्लस एंगल का माइनस और माइनस एंगल का प्लस करते थे। वी अपॉन जेड एस एंगल थीटा माइनस ई अपॉन जेड एस एंगल थीटा प्लस डेल्टा। इसलिए इनपुट पावर पर फेज कॉम्प्लेक्स पावर चाहिए, क्या होगी? वी आई ए कॉन्जुगेट ई पी एंगल जीरो वी अपॉन जेड एस एंगल थीटा ई अपॉन जेड एस थीटा प्लस डेल्टा, वी स्क्वायर अपॉन जेड एस एंगल थीटा ए वी अपॉन जेड एस एंगल थीटा प्लस डेल्टा। अब अगर इसका कोसाइन कंपोनेंट लोगे तो एक्टिव पावर आ जाएगी, और साइन कंपोनेंट लोगे तो रिएक्टिव पावर आ जाएगी। एक्टिव पावर लिख दो, पावर इनपुट पर फेज वी स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा माइनस ए वी अपॉन जेड एस कॉस थीटा प्लस डेल्टा। क्यू इनपुट पर फेज वी स्क्वायर अपॉन जेड एस साइन थीटा माइनस ए वी अपॉन जेड एस साइन थीटा माइनस सॉरी थीटा प्लस डेल्टा। इसको स्पेशल केस से करते हैं। स्पेशल केस में क्या माना? आर ए इज नेग्लिजिबल, आर ए अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो हमारे पास वापस वही कैलकुलेशन आ जाएगी। आउट यहाँ पे हमें आर ए जीरो होने पे इनपुट पावर और एक्टिव इनपुट पावर और रिएक्टिव इनपुट पावर निकालना है। क्या होगा? देखो आपको क्या रखना है, जेड एस का मैग्नेट एक्सेस रखना है और थीटा की जगह कितना रखना है? 90 रखना है। रखिए जरा इसको, सेम वही है पुराना केस। क्या आएगा? वी स्क्वायर अपॉन एक्सेस कॉस 90, ये तो जीरो हो जाएगा, ए वी अपॉन एक्सेस कॉस 90 प्लस डेल्टा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई वी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। ये वही आ जाएगा जो हमारे पास आउटपुट पावर आ रही थी सिंक्रोनस जनरेटर की। और क्यू क्या आ जाएगा पर फेज में? साइन 90 की वैल्यू 1 वी स्क्वायर अपॉन एक्सेस माइनस साइन 90 प्लस डेल्टा ई वी अपॉन एक्सेस साइन 90 प्लस डेल्टा वी स्क्वायर अपॉन एक्सेस माइनस ई वी अपॉन एक्सेस कॉस डेल्टा। ठीक है, लिख दो इसको।